इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपने फर्स्ट कॉपी शूज का कलेक्शन और आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट कॉपी शूज खरीदने चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और मैं आ गया हूं एक नए स्नीकर वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहता हूं और पोस्ट करते रहता हूं। तो आपको आजकल बाजार में या फिर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे स्टोर्स मिल जाएंगे जो कि महंगे महंगे ब्रांड्स के फर्स्ट कॉपी शूज बहुत सस्ते में बेच रहे हैं। और प्रेजेंटली इंडिया में स्नीकर कल्चर काफी आगे पहुंच चुका है, तो अब सबका मन करता है कि वो भी अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज पहने। लेकिन आपने देखा होगा कि जो ओरिजिनल लिमिटेड एडिशन शूज आते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और हर कोई इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या आपको उसके चीप फर्स्ट कॉपी शूज लेने चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इंडिया में फर्स्ट कॉपी शूज लेना क्यों अंडरस्टैंडेबल है और आपको फर्स्ट कॉपी शूज लेते टाइम क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। आपको पता होगा कि यूएसए में स्नीकर कल्चर बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत सारे लोग स्नीकर रीसेलिंग का बिजनेस करते हैं या फिर स्नीकर्स को इन्वेस्टमेंट्स की तरह रखते हैं और कभी भी यूज नहीं करते। यूएस में स्नीकर कल्चर का इतना बड़ा हाइप इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्नीकर्स उनकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जॉर्डन ब्रांड या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी नेम से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि ट्रैविस स्कॉट या फिर कान्ये वेस्ट। और मोस्टली ये बड़े ब्रांडेड शूज हमेशा लिमिटेड एडिशन होते हैं, मतलब कि इसके बहुत कम पीसेज अवेलेबल रहते हैं, तो लोग इसको मोस्टली पहनने से ज्यादा एज अ कलेक्टिव मटेरियल रखते हैं। और अब इंडिया में भी स्नीकर कल्चर का एक वेव आ चुका है और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करने लग गए हैं और इंडिया में भी बहुत सारे स्नीकर इवेंट्स और स्नीकर कॉन्स होते हैं जहाँ पे लोग अपने बेस्ट शूज शो ऑफ करते हैं। लेकिन ये सारे शूज इतने महंगे होते हैं कि बहुत कम लोग ही हैं जो इनको अफोर्ड कर पाते हैं। अगर आप कोई भी अच्छा सिग्नेचर ब्रांडेड शू लेते हो तो आपको मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं, जो कि एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर इतने पैसे एक शू पे नहीं खर्च करना चाहता। तो ऐसे में रोल आता है फर्स्ट कॉपी शूज़ का। तो मेरे हिसाब से इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल कि आप फर्स्ट कॉपी शूज़ खरीदो, क्योंकि अगर आप एक स्नीकर कलेक्टर या फिर स्नीकर रीसेलर नहीं हो तो एक एवरेज इंडियन इनकम में 10 हज़ार रुपये के जूते खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ऐसे में अगर आपको कोई एग्जैक्ट रेप्लिका शू 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल रहा है जो कि सेम लुक्स और ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी का है, तो मेरे हिसाब से वो एक स्मार्टर डिसीजन है। बाकी मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं या फिर वर्कआउट के लिए आपको कोई शूज़ चाहिए तो तब आपको ओरिजिनल शूज़ लेने चाहिए, क्योंकि रेप्लिका शूज़ की क्वालिटी वाइज ये हो सकता है कि आपके पैरों पे उस पर बुरा इफेक्ट पड़े। बट कैजुअल वेयर और पार्टीज के लिए आप आराम से फर्स्ट कॉपी शूज़ ले सकते हैं। बाकी ये आपकी मर्जी, अगर आप महंगे ओरिजिनल शूज़ अफोर्ड कर सकते हो सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शूज़ पे इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते या फिर करना नहीं चाहते। अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको फर्स्ट कॉपी शूज़ लेने चाहिए तो आपको फर्स्ट कॉपी शूज़ लेते टाइम कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी शूज़ मिले। मार्केट में फर्स्ट कॉपी में भी बहुत टाइप के और बहुत अलग अलग क्वालिटी के शूज़ होते हैं। एक तो होते हैं जो कि दिखने में ही एकदम फेक लगते हैं, उनका लोगो और ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ एकदम फेक लगते हैं और क्वालिटी वाइज भी वो बहुत गंदे होते हैं, और ऐसे शूज़ आपको हमेशा अवॉइड करने चाहिए। तो आपको फर्स्ट कॉपी शूज़ लेते टाइम हमेशा 7A क्वालिटी के शूज़ लेने चाहिए जो कि लुक्स, स्टिचिंग और ब्रांडिंग में एकदम ओरिजिनल के रेप्लिका होते हैं, बस उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो थोड़ा ओरिजिनल से डिफरेंट होता है। और मेरे हिसाब से अगर आप ऑनलाइन किसी ट्रस्टेड सेलर को नहीं जानते तो आपको कभी भी ऑनलाइन फर्स्ट कॉपी शूज़ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कोई गारंटी नहीं होती कि आपको किस क्वालिटी के शूज़ मिलेंगे। तो मैंने अपने जितने भी फर्स्ट कॉपी शूज़ लिए हैं वो सारे ही मैंने स्टोर में जाके फिजिकली लिए हैं, क्योंकि उसमें आप आराम से सारी क्वालिटी और उसकी सारे लुक्स वगैरह सब चेक कर सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना फर्स्ट कॉपी शूज़ का कलेक्शन ताकि आपको समझ आए कि आपको किस क्वालिटी के शूज़ लेने चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं मेरे सबसे पुराने फर्स्ट कॉपी शूज़ की, जो कि है नाइकी एयर मैक्स टवास। ये शूज़ मैंने 2015 या 16 में देहरादून के एक स्टोर से लिए थे अराउंड 2,500 रुपये में, और इसके ओरिजिनल शूज़ के MRP इससे बहुत ज़्यादा है। तो लुक्स वाइज ये ओरिजिनल के एग्जैक्ट रेप्लिका हैं और आपको इसमें हर जगह नाइकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आपको इसके सोल में नाइकी लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके हील में नाइकी एयर लिखा हुआ और नाइकी का एक टिक मिल जाएगा। आपको इसके दोनों राइट और लेफ्ट साइड में नाइकी का सूज मिल जाएगा, और इसके टंग में भी आपको नाइकी एयर मैक्स टवास लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ओरिजिनल नाइकी एयर मैक्स टवास की फोटो दिखा रहा हूँ, तो आप उससे इन शूज़ को कंपेयर कर सकते हैं और आप देखोगे कि लुक्स वाइज ये एकदम सिमिलर है। और ऑब्वियसली इन शूज़ की क्वालिटी ओरिजिनल जितनी अच्छी तो नहीं होगी, बट फिर भी मेरे को ये शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं। इसमें आपको जो कुशन मिलता है वो अच्छा खासा 1 से 1.5 इंच का कुशन है, और वो काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे मटेरियल का बना हुआ है, और आपके पैरों में पहनते टाइम इसमें बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। और ड्यूरेबिलिटी और मटेरियल वाइज भी ये शूज़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत ही लाइट वेट हैं, और मेरे पास ये ऑलमोस्ट 6 साल से हैं और अभी भी ये एकदम नए जैसे लगते हैं, तो आप इसकी ड्यूरेबिलिटी गेस कर सकते हैं। और फर्स्ट कॉपी शूज़ लंबे टाइम तक चलाने की ये ट्रिक है कि आप मल्टीपल शूज़ खरीदिए और उन सारे शूज़ को रोटेट करके पहनिए, तो ऐसे में आपका एक शूज़ ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगा और आपके ओवरऑल सारे शूज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे और आपका वार्डरोब में भी वैरायटी रहेगी।
और ऑन फीट भी ये शूज़ बहुत ही बढ़िया लगते हैं और आप इनको लोअर्स या जीन्स किसी के साथ भी पहन सकते हैं और ये बहुत ही कूल और स्पोर्टी लुक देते हैं। अब मेरे सेकंड फर्स्ट कॉपी शूज़ उस ब्रांड के हैं जिस ब्रांड के प्रॉबेबली दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्स्ट कॉपी शूज़ बनते हैं और वो है एयर जॉर्डन 1 टाई डाई कलरवे। ये शूज़ मैंने दिल्ली के मजनू का टीला से लास्ट ईयर लिए थे अराउंड 2500 रुपये के और इसकी ओरिजिनल MRP 10,000 से तो ऊपर ही जाती है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि लुक्स वाइज ये ओरिजिनल का एकदम रेप्लिका है और इसमें आपको हर जगह नाइकी और जॉर्डन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके सोल में आपको नाइकी लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके दोनों राइट और लेफ्ट साइड में भी आपको नाइकी का सूच मिल जाएगा, इसके राइट साइड में भी आपको एयर जॉर्डन का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको इनके ओरिजिनल पेयर की फोटो दिखा रहा हूँ तो आप उसमें खुद कंपेयर करके देख सकते हैं कि इनके लुक्स और इनकी स्टिचिंग और इनकी जितनी भी ब्रांडिंग है वो एकदम सिमिलर है। अब इसके क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसके सोल और इसके कुशन की क्वालिटी तो ओरिजिनल से काफ़ी सिमिलर है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन अगर आप इसके अपर के मटेरियल की क्वालिटी देखोगे तो ये दूर से तो काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन पास से अगर आप देखोगे तो इसकी क्वालिटी ओरिजिनल जितनी अच्छी नहीं है। और ऑन फिट भी ये शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल है और आप इनको कैजुअल वेयर या पार्टी वेयर की तरह पहन सकते हैं। और मैंने इनको खरीदा इसलिए था क्योंकि इनका कलर भी बहुत ही यूनिक है और अगर आप इसको कैजुअल वेयर या पार्टी वेयर की तरह पहनते हो जीन्स या लोअर के साथ तो ये बहुत ही कूल लुक देते हैं और बहुत प्रीमियम लुक देते हैं। अब मेरे तीसरे फर्स्ट कॉपी शूज़ हैं एडिडास ZX2K बूस्ट। इन शूज़ के ओरिजिनल पेयर की MRP 14,000 रुपये है और मैंने लास्ट ईयर धारचूला के एक स्टोर से लिए थे सिर्फ 2,000 रुपये में। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल के प्राइस में 12,000 रुपये का डिफरेंस है। तो ऐसे में अगर कोई 14,000 रुपये के जूते नहीं अफोर्ड कर सकता तो 2,000 रुपये के जूते लेना उसके लिए काफ़ी स्मार्ट ऑप्शन है। और ये शूज़ मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहने हैं क्योंकि मैंने इन्हें कुछ टाइम पहले ही लिया है और ये वाइट शूज़ हैं तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं तो इनके लिए राइट ओकेजन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और लुक्स वाइज ये ओरिजिनल के एकदम सिमिलर हैं और आपको इसमें हर जगह एडिडास ओरिजिनल्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आपको इसके सोल में एडिडास का लोगो मिल जाएगा, आपको इसके हील में ब्लू में एडिडास ओरिजिनल्स का लोगो मिल जाएगा, दोनों राइट और लेफ्ट साइड में एडिडास के 3 स्ट्राइप्स मिल जाएंगी और इसके टंग में भी आपको पिंक में एडिडास ओरिजिनल्स का लोगो और एडिडास लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये इसके ओरिजिनल पेयर की फोटो है तो आप इसमें इन दोनों शूज़ को कंपेयर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि लुक्स वाइज और स्टिचिंग वाइज ये एकदम सिमिलर है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इसके ओरिजिनल पेयर में एडिडास का फुल लेंथ बूस्ट यूज़ होता है लेकिन ऑब्वियसली ओरिजिनल नहीं है तो इसमें एडिडास का फुल लेंथ बूस्ट तो नहीं यूज़ होगा, लेकिन फिर भी इसमें जो कुशन का मटेरियल यूज़ हुआ है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसमें आपको 1 से 1.5 इंच का बढ़िया सॉफ्ट कुशन मिल जाएगा। और इसके अपर में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी का लगता है और मैं जब इसे पहनता हूँ तो ये बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक है और ये काफ़ी लाइट वेट फील देता है। इसके सोल की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है और इसमें हार्ड रबर मटेरियल यूज़ हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करता है। और ऑन फिट भी ये शूज़ काफ़ी कूल और बढ़िया लगते हैं और आप इनको जॉगर्स या लोअर्स के साथ पहन सकते हैं और ये बहुत ही कूल स्पोर्टी लुक देते हैं। अब फाइनली बात करते हैं मेरे आखिरी फर्स्ट कॉपी शूज़ की जो कि हैं जॉर्डन 5 रेट्रो रेड स्वेड। ये शूज़ मैंने 2019 में दिल्ली के मजनू का टीला से अराउंड 3,000 रुपये के लिए थे और इसके ओरिजिनल पेयर की MRP 10,000 के पार ही रहती है। ये शूज़ भी लुक्स वाइज ओरिजिनल पेयर के एकदम सिमिलर हैं और इसमें आपको हर जगह जॉर्डन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके सोल में आपको बड़ा सा जॉर्डन लिखा हुआ मिल जाएगा और इसके सोल में आपको पूरा ट्रांसलूसेंट सोल मिल जाएगा जिसमें आपको अंदर जॉर्डन का लोगो भी मिल जाएगा। इसके हील में भी आपको जॉर्डन का लोगो मिल जाएगा और इसके टंग में भी आपको बड़ा सा जॉर्डन का लोगो मिल जाएगा। और जब ये शू रिलीज़ हुआ था तो जॉर्डन ब्रांड ने एक लेसिंग टेक्नोलॉजी निकाली थी तो आपको इस पेयर के साथ भी वो लेसिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो आप इसके ओरिजिनल पेयर की फोटो में इन दोनों शूज़ को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लुक्स वाइज और स्टिचिंग वाइज ये कितने सिमिलर हैं। अब हम इस शूज़ के मटेरियल और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो कुशन मिला है वो काफ़ी थिक और चंकी है जो बहुत ज़्यादा कम्फर्ट प्रोवाइड करता है और इसके सोल में जो ग्रिप और क्वालिटी मिली है वो भी काफ़ी बढ़िया मटेरियल से बना हुआ है जो आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेगी। और इसके अपर में जो रेड स्वेड मटेरियल यूज़ हुआ है वो बहुत ही बढ़िया मटेरियल है और इसमें अभी तक कोई घिसने का या फेडिंग का साइन नहीं दिखा है। और ऑन फिट भी ये शूज़ बहुत ही बढ़िया लगते हैं और इसका रेड कलर इनको बहुत ही कूल और फैंसी लुक देता है और ये बहुत ही आई कैचिंग पेयर ऑफ शूज़ हैं। तो ये थे मेरे फर्स्ट कॉपी शूज़ और मेरा ओपिनियन कि आपको इंडिया में फर्स्ट कॉपी शूज़ खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं जल्द से उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लगातार बनाते रहता हूँ और पोस्ट करते रहता हूँ। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैविंग फन, पीस आउट।